बिग बॉस ओटीटी 3 के घर से अरमान मलिक अब बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद वो मीडिया से बातचीत करते हैं। उन्होंने विशाल और रणवीर शौरी के बारे में बात करते नजर आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया। मीडिया द्वारा अरमान से सवाल पूछा गया कि उनका बिग बॉस का सफर कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत मजा आया कि वह घर में आखिर तक बने रहे। उन्होंने सबसे दोस्ती की और लड़ाइयां भी की, लेकिन उनके लिए एक्सपीरियंस काफी खास था। यूट्यूबर अरमान से जब ये पूछा गया कि विशाल पांडे को थप्पड़ मारने के बाद जनता उनसे बहुत नाराज थी, खास तौर से विशाल के फैंस, उन्हें लगा कि हिंसा करने के बाद उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कोई उनके सपोर्ट में नहीं था। ये सुनकर अरमान बोले, फिर भी हम उसके बाद आए हैं। ये क्या था? अरमान ये कहना चाहते थे कि लोगों ने उनका सपोर्ट किया, तभी वो इतने दिन तक शो में रहे। रणवीर शौरी के बारे में बात करते हुए अरमान ने कहा कि वो रणवीर के लिए आप जिंदगी में कुछ भी दे सकते हैं, पैसे उनके लिए बड़ी चीज नहीं है, वो डिजर्व करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ट्रॉफी उन्हें ही मिले। बता दें कि अरमान मलिक ने पहले भी कहा था कि अगर वह यह शो जीतते हैं तो इसके जीते हुए सभी पैसों को रणवीर शौरी को दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि रणवीर के लिए यह पैसे बहुत छोटा अमाउंट है, उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के फिनाले से ठीक 2 दिन पहले दो सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स लवकेश कटारिया और अरमान मलिक शो से बाहर हो गए, जिससे फैंस और दर्शकों को बहुत बड़ा शॉक लगा। बता दें कि अरमान मलिक को सबसे कम वोट मिले जिसको घर से बाहर हुए, जबकि लवकेश को घर वालों ने वोट करके घर से बाहर निकला। लवकेश और अरमान के एविक्शन के साथ शो को रणवीर शौरी, सना मकबूल, कृतिका मलिक, साई केतन राव और नेजी के रूप में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।